जा रहे थे। जी जी हिंदी गाने पे वीडियो बनाते थे, कोई लोग देखते ही नहीं थे, बहुत सारा दुख भी होता था हमको। मेरा वीडियो वायरल हुआ, फर्स्ट बार हमने अपने किसी वीडियो पे 1000 लाइक देखा, 2000 लाइक देखा, एक दिन में। ऐसा कुछ भी था ही नहीं कि मुझे वायरल होना है, फेमस होना है, ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए ही बस। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का उन्नति। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़, मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो बिहार से हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं, लेकिन सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है जहां पे इंटरटेनमेंट की जाती है, मौज कर ले, रील्स कर ले, या फिर इंस्टा की भी कई ऐसे चीज़ हैं जहां पे इनको जोश कह ले और बहुत सारी चीज़ जहां पे देखे जाते हैं। जी हाँ, नाम है इनका रोशन सिंह मैंगोमैन 763। और 763 का मतलब क्या है, तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं, स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं और क्यों लाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर महादेव। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कैसे हैं। जी हम एकदम अच्छे हैं, और भगवान से हमारा ये हमेशा आप लोगों के लिए प्रे रहेगा कि आप लोग भी हमेशा हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। रोशन सिंह जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। एक्चुअली 2018 में अपने इंडिया में एक ऐप थी। जी जी, नाम आप लोग जानते होंगे, टिकटॉक। जी हाँ, वो बहुत ही एगन बाय एगन बहुत ही स्पीडली वायरल हो रही थी। तो हमने भी सोचा, अपने अंदर का एक्टर जिंदा हो रहा था उस टाइम, तो हमने भी सोचा कि एक आध वीडियो शूट हो जाए उस पर। तो वीडियो बनाना वहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन बहुत सारा वीडियो, लगभग 100-150 वीडियो बनाया, 100 से ज़्यादा तो व्यूज़ ही नहीं जा रहे थे। जी जी, हिंदी गाने पे वीडियो बनाते थे, कोई लोग देखते ही नहीं थे, बहुत सारा दुख भी होता था हमको कि इतना अच्छा, अपने से तो हर लोगों को अपना वीडियो अच्छा लगता, हमको भी लगता था कि हम सोचते थे कि शाहरुख खान तो हम हैं ही, काहे नहीं वायरल हो रहा है, लेकिन भगवान जाने। तो मेरा वीडियो हिंदी, जब तक वीडियो बना रहे थे, नहीं वायरल हो रहा था। उसके बाद हमारा एक भाई है, मेरा अपना भाई है, विक्रम सिंह राठौर, तो वो बोला कि सिंकू भैया एक सिंगर है, सिंकू यादव जी, उनका एक सॉन्ग है अब जाज, सॉरी, उनका एक सॉन्ग है हमारा घर भर के लोग तोहके जानत रहे। हाँ। तो हमारा भाई बोला कि प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बना लो। हम बोले कि यार भोजपुरी अच्छा नहीं लगता है। तो बोला कि नहीं, आप देख लो एक बार। तो ऐसे हम अपने भाई का दिल रखने के लिए हम सोचे कि यार चलो आज देख ही लेते हैं। तो हमने उस पर एक वीडियो बनाया, और वो सॉन्ग एक हमारे बहुत ही उस टाइम फेमस हुए थे निशांत भाई हमारे, उन्हीं ने वो सॉन्ग को अपलोड किया था उस टाइम, और उनके सॉन्ग पे हमने वो वीडियो बनाया था। और भगवान कसम, उनके बाद वो मेरा वीडियो सेकंड नंबर पे था। जी जी। और वो मेरा वीडियो वायरल हुआ, फर्स्ट बार हमने अपने किसी वीडियो पे 1000 लाइक देखा, 2000 लाइक देखा, एक दिन में 3000 लाइक देखा, 4000 लाइक देखा, 5000 देखा, 10000 देखा, 15000 देखा। तो खुद फिर आप बेकाबू हो गए और फिर लगातार दिए देना देन, बस उसके बाद स्टार्ट हो गए। मुजफ्फरपुर से आपकी जर्नी शुरू हुई है। मुजफ्फरपुर में कहें तो बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पे सुविधाएं कम है, लेकिन टैलेंटेड लोग बहुत हैं वहाँ पे, या तो फिर वो फेसबुक पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे। आप मुजफ्फरपुर में रहते हुए कैसे सोचा था कि हाँ वाकई में मुझे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए? एक्चुअली ऐसा बात है ना कि मैं अब आपके सामने आ गए तो झूठ तो मैं रखूंगा नहीं, कुछ हमने ऐसा कुछ सोचा था ही नहीं। अभी आप देख लो तो जनरली हर घर का एक आध बंदा तो ऐसा होगा ही, जो एक फ़ोन होगा एंड्रॉयड, और उसके फ़ोन में रील्स होंगे, फेसबुक होंगे, जोश मोज वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐप होंगे। उसी तरह अपने, मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ भी था ही नहीं कि मुझे वायरल होना है, फेमस होना है, ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए ही बस वीडियो बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे होता है ना कि अब आपको हमने देखा कि आप वायरल हो रहे हैं, उनको देखा कि वो वायरल हो रहे हैं, तो एक अंदर से एक जिज्ञासा हुई कि यार वो वायरल हो सकता है तो मैं भी तो वायरल हो सकता हूँ, और बस वहाँ से एक फील आई कि नहीं वायरल होना है और फेमस अपने आप। मतलब एक्चुअली हमारे फादर, मेरी मदर ने मेरा नाम रखा है रोशन, तो हमने सोचा कि अपने फादर मदर का नाम थोड़ा तो लेके जाएं ऊपर, रोशन हो तो रोशन होना चाहिए। जी, हमने आपको देखा है कि आप एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, गाने भी गा लेते हैं, कुछ वैसा जो हमारे दर्शकों के लिए प्ले करें आप। एक्चुअली मैं, जो भी लोग हमें जानते होंगे वो अगर दिल से जानते हैं तो उनको मालूम है कि मैं एक्चुअली सैड वीडियो ही ज़्यादा बनाता हूँ, सैड। और एक्चुअली बात यह है ना कि अपने यूपी बिहार के जितने भी 18 से 28 के बंदे हैं ना, उनको इधर बहुत ज़्यादा लगता है, जो भी सैड सॉन्ग होता है वो मेरा, और एकदम फील के साथ जाता हूँ हमेशा। सी एम कोशिश होती है हमारी कि जो भी दूँ अपना 100 दूँ। और मेरे, अगर जहाँ तक वीडियो की बात है, एक्टिंग की बात है, तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे जो भी भाई ये वीडियो देखेंगे मेरा, उनको मेरे बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा। ये लंबे बालों का राज क्या है? लंबे बालों का राज ये है कि
एक्चुअली आज के डेट में कोई भी सिंपल लोग को कोई देखता नहीं है। जी जी। तो हमारे आइडल है यस, आप उनको जानते होंगे, ये साउथ के हैं। बिल्कुल जी। अभी इनका जो KGF मूवी काफ़ी हिट हुई थी। एक्चुअली हम उनको बहुत फॉलो करते हैं और वो हमारे आइडल है। हमारी एक ज़िंदगी का एक सपना है कि लाइव मैं उनको सामने से देखूं एक बार। जी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और इसलिए मेरे हेयर बाल दाढ़ी मैं कोशिश करता हूं कि उनके जैसा तो नहीं, उनसे 0.1 में भी रहूं थोड़ा सा बस। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में दो बड़े कलाकार हैं, पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी, किसे आप अपना फेवरेट मानते हैं? दोनों फेवरेट हैं हमारे, इसमें ऐसा कोई नहीं है, दोनों सुपरस्टार है और हमारे यूपी और बिहार के लिए आइडल है और वो दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, इसलिए हमारे लिए तो वो दोनों आइडल है और हमेशा रहेंगे भी। जो नए बच्चे टिकटॉक पे, टिकटॉक तो बैन हो चुका है, रील्स पे या फिर कहें तो वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना कलाकारी दिखाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस दिन से अपना 100 देना स्टार्ट हो जाओगे, आप अपने दिल से जो भी होगा, आपका एक सॉन्ग हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, हंसी मजाक हो, जो भी हो, आपने अगर अपना 100 अगर आपका हो गया तो उस दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये हम जानते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर तो होता ही नहीं है। आपने जो भी देना है अगर 100 दो तो वायरल होना है, वो होना है। और भगवान इम्तिहान ज़रूर लेते, तो भाई मेरे ऐसा मत सोचना कि एक आध वीडियो में ही वायरल हो जाता है। एक आध वीडियो में तो ऊपर वाले का जो स्पेशल बंदे होते हैं उनका वायरल होता है, हम लोगों का 800 वीडियो के बाद वायरल होते हैं। थोड़ा मेहनत कीजिए, ज़रूर वायरल होंगे सभी लोग। जाते जाते कोई एक सॉन्ग जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं हमारे दर्शकों के लिए? एक्चुअली मैं तो सिंगर हूँ नहीं, लेकिन मैं जब स्कूल में था तो अक्सर एक गाना गाया करता था और मैं एक लाइन गाना चाहूँगा। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, अगर कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। जय हिंद, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे रील्स के मास्टर कह लें, बिहार में बहुत नाम है इनका, सिर्फ बिहार ही नहीं, जितने भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनसे जुड़ते हैं, रोशन सिंह मैंगो मैन सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। इन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहिए ताकि इनका जो सपना है सपना पूरा हो। साथ ही साउथ इंडस्ट्रीज के यस से भी मिलना चाहते हैं तो उनके उन तक भी इनके भाई साहब के मैसेज पहुँचा दीजिए और इन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।